हुआ है जिसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर अब ये देखो ये एक ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहां से लेके जब वो स्टैचू के टॉप की तरफ देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितने डिग्री का है सिक्सटी डिग्री का ऐसे ही इस पॉइंट से जब वो पेडेस्टल के टॉप की तरफ देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो फोर्टी फाइव डिग्री का है तो फाइंड करेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल तो मतलब ये जो बी सी है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं तो ट्रायंगल बी डी सी पहले हम स्मॉल ट्रायंगल लेंगे बी डी सी तो बी डी सी में टेन फोर्टी फाइव डिग्री कितना हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन बेस कितना है डी सी तो टें फोर्टी फाइव की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है वन के और बी सी कितना दे रखा है एच और डी सी इसको हम क्या करेंगे सपोज कर लेंगे ये एक्स है तो इसको एक्स ले लेंगे तो एच कितना आ गया एक्स के इक्वल तो ऐसे ही अब हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए सी डी तो ट्रायंगल ए सी डी में 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा वो भी परपेंडिकुलर ए सी अपोन डी सी के इक्वल तो परपेंडिकुलर कितना है एसी और डीसी क्या है इसका बेस तो इसको लिख देंगे ए सी अपोन डी सी तो यहाँ देखो ये यह जो ए सी है वो टोटल कितना है वन पॉइंट सिक्स प्लस एच तो ए सी को लिख लेंगे वन पॉइंट सिक्स प्लस एच अपॉन डी सी कितना है एक्स तो टेन सिक्सटी की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है अंडर रूट थ्री के तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट थ्री एक्स इज इक्ल टू वन पॉइंट सिक्स प्लस एच तो यहाँ देखो x किसकी इक्वल है h के तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं जहाँ पे x है वहाँ पे h कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री एच इजिकल टू वन पॉइंट सिक्स प्लस एच तो यहाँ हम h को हम एक साथ ले लेंगे तो अंडर थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स तो अंडर थ्री माइनस वन कॉमन आ जाएगा h इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स तो h की वैल्यू कितनी आई वन पॉइंट सिक्स अपॉन अंडर थ्री माइनस वन तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे तो इसको प्लस से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर थ्री प्लस वन को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स अंडर थ्री प्लस वन तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी की तो वो किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र तो a हमें दे रखा है अंडर रूट थ्री और b कितना है वन तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर तो सॉल्व किया वन पॉइंट सिक्स अंडरू थ्री प्लस वन अंडरू थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो थ्री माइनस वन तो ये आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स अंडरू थ्री प्लस वन अपॉन टू तो अब यहाँ पे अगर तो आप पॉइंट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं नहीं तो इसको ऐसे भी कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट एट आ जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एट पॉइंट एट था पॉइंट हटा देंगे एट बाय टेन तो अंडर थ्री प्लस वन तो सॉल्व किया ये आ जाएगा फोर अपोन फाइव तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये फोर अपॉन फाइव अंडर प्लस वन तो ये मीटर आ जाएगा तो ये जो हमें दी थी ये क्या निकली हमारी हाइट तो यही था हमें हाइट ऑफ डेस्टल फाइंड करनी थी BC तो बीसी कितना निकल आया फोर अपॉन फाइव रूट थ्री प्लस वन मीटर